भारत माता की। क्यों भाई आजमगढ़ वालों की आवाज को क्या हो गया है? 4,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का योजना लेकर आज यहां पर योगी जी आए हैं, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग पेंडल में हाथ उठाए। जरा मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री भाई जयवीर सिंह जी, मेरे साथ पधारे हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, श्री अनिल राजभर जी, दयाशंकर सिंह जी, जोर से ताली बजाइएगा, आपके लोकप्रिय सांसद भाई दिनेशलाल निरुआ जी, नरेंद्र सिंह जी, विजय बहादुर पाठक जी, उपस्थित सभी विधायकगण, और आज आजमगढ़ की पवित्र भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज महर्षि दुर्वासा, महर्षि देवल, चंद्रमा और महर्षि दत्तात्रेय की भूमि को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं तब आजमगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू सीताराम अस्थाना, बाबू विश्राम राय, डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह, श्री अंबिका सिंह, श्री उदय भान सिंह, श्री द्वारिका लाल, श्री श्याम नारायण लाल, ये सभी को श्रद्धांजलि देकर आज मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और मैं आज सबसे पहले योगी जी को बधाई देना चाहता हूं, जिस आजमगढ़ को पूरे देश भर में आतंक के केंद्र के रूप में माना जाता था, वो आजमगढ़ की धरोहर हरिहर घराने को फिर से सम्मान देने के लिए संगीत महाविद्यालय की आज यहां नींव रखने का काम हुआ। मित्रों, मुझे ठीक याद है, मैं गुजरात का गृहमंत्री था, अहमदाबाद में बम धमाके हो गए थे और जब अहमदाबाद की पुलिस बम धमाकों के सूत्र ढूंढते ढूंढते देश भर में से आतंकियों की गिरफ्तारी कर रही थी, तब उसका सबसे बड़ा सूत्रधार आजमगढ़ के अंदर से पकड़ा गया था। और योगी जी ठीक ही कह रहे थे, आजमगढ़ की छवि कभी ये हरिहर घराने से जानी जाती थी, पंडित चन्नूलाल मिश्र जैसे गायकी के विद्वानों से जानी जाती थी। वो आजमगढ़ को, वो छवि को धूमिल करने का काम इस सपा बसपा बसपा सपा की सरकारों ने किया था। आज मुझे आनंद है कि उसी आजमगढ़ में आज संगीत का विश्व महाविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। मित्रों, हरिहरपुर घराना, जिसके नाम में ही हरि और हर दोनों हो, वो हमेशा संपूर्ण होता है। और गायकी की दृष्टि से, कला की दृष्टि से तीनों विधाएं, गायन, वादन
और नृत्य तीनों विधाओं का एक जमाने में हमारा आजमगढ़ केंद्र हुआ करता था। ये हरिहरपुर संगीत के घराने के पद्म विभूषण चन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र, ऐसे ढेर सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सभी कलाकारों को आज बहुत आनंद होगा कि इसी आजमगढ़ के अंदर संगीत का विद्यालय शुरू हो रहा है। मित्रों, संगीत को संभालना संस्कृति को प्राणवायु देना जैसा होता है। संगीत को आगे बढ़ाना, गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों कलाओं को ये महाविद्यालय के अंदर आश्रय मिलेगा, उसका प्रचार होगा, प्रसार होगा और परंपरा से युक्त जिले में अनेक बच्चों को अपनी नई करियर बनाने का मौका मिलेगा। आज पंडित रामदास मिश्र, नौरतन मिश्र, सावला मिश्र, देवी साहब प्रसाद मिश्र, गुरु सहाय मिश्र, बुलबुल महाराज, श्यामलाल मिश्र, जोखू मिश्र, चाहे गायन हो, सारंगी हो, तबला हो, नृत्य हो, हर कला को इन लोगों ने समग्र विश्व के पटल पर रखने का काम किया था। आज मैं मन से योगी जी को बधाई देना चाहता हूं कि संगीत का महाविद्यालय आने वाले दिनों में न केवल उत्तर प्रदेश, आने वाले दिनों में पूरे भारत का गौरव समग्र विश्व में बढ़ाएगा, इसका मुझे पक्का भरोसा है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मैं मुझे पहले का उत्तर प्रदेश ठीक से याद है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई दिनों तक मैंने रात्रि निवास किया था चुनाव में। एक भी रात ऐसी नहीं थी जहां ग्रामीण क्षेत्र में रात को बिजली मिलती हो। 24 घंटा बिजली तभी मिलती थी जब रमजान आता था, वरना नहीं मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को युक्त करकर विकास के नए युग की शुरुआत। आज यहां पर हमने एक नींव डाली है हर घर जल की योजना का। ये हर घर जल की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की कल्पना। भारत का हर घर, चाहे किसी भी गरीब का क्यों न हो, उसके घर में पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचना चाहिए। और आज आजमगढ़ के अंदर 1358 नल से जल योजनाओं का 4200 करोड़ रुपए के खर्चे से पूरे आजमगढ़ क्षेत्र में हर घर में नल से पानी पहुंचाने की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश के 60% घरों में नल से जल पहुंचाया है। आज देश में हर सेकंड में एक घर में नल से जल पहुंचता है और 11,66,00,000 घरों में नल से जल पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी नल से जल पहुंचाकर फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत आज से हो रही है। और इसके साथ और भी योजनाएं लगभग 4500 करोड़ रुपए की यहां पर इसका लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश विकास की पहचान बना है। रोड रस्तों का जाला, नहरों का जाला, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान योजना का 6,000 रुपया चेक से मिलता है। हर घर में
1,76,00,000 घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचा है, हर घर में शौचालय पहुंचा है, हर घर में बिजली पहुंची है। एक भी गांव ऐसा नहीं जहां बिजली पहुंचनी बाकी हो। उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने ढेर सारा काम किया है। आजमगढ़ को हमेशा कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, आज आजमगढ़ को यहां पर विकास का गढ़ बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, आजमगढ़ में भी बन रहा है और इसके साथ साथ लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, इसके साथ 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश बना है। और प्रधानमंत्री जी की गति शक्ति योजना को भी यहां जमीन पर उतारा गया है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लागू किया गया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस उत्तर प्रदेश में कभी कल्पना नहीं की जाती थी कि यहां पर दंगे न हो, वो उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, जब जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई, आपने भोले शंकर की तरह आशीर्वाद दिया है। चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो या 2022, हर चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भर दी है और प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिल्ली के खजाने के दरवाजे खोलकर, मन खोलकर उत्तर प्रदेश को दिया है। हर योजना उत्तर प्रदेश से होकर ही देश में जाती है। उत्तर प्रदेश आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं आज आपको फिर से एक बार कहना आया हूं, ये सपा, बसपा, कांग्रेस, मुझे बताइए, ये लोग देश का और उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया यहां से सांसद थे, कभी भी कोरोना में देखा आपने उनको? आपको टीका लगाने आए थे क्या? मोदी जी ने पूरे भारत में 220 करोड़ टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है। हर गरीब के घर में अनाज पहुंचा है। मित्रों, 2024 में फिर से बार सपा, बसपा, कांग्रेस परिवारवाद और जातिवाद लेकर आएंगे, लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। आपने ये दिनेश को जिताकर यहां एक क्रांति का सृजन किया है, क्रांति का सृजन किया है। मैं आपका आह्वान करने आया हूं, 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार मोदी जी पर भरोसा करे और मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? अरे ऐसे बोलते हो आजमगढ़ वालों, बताइए भाजपा को जिताएंगे? कमल का निशान दबाएंगे? उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे? आजमगढ़ में भी कलम कमल खिलाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बिंचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।